फाइंड द एच सी एफ ऑफ दीज नंबर, और पहला क्वेश्चन है 42, 63 और 140 का आपको एलसीएम बताना है। तो आप क्या करो, एक सिंपल सा तरीका होता है कि जी 42 का एलसीएम ले लो, और 2 से आपने एलसीएम लिया तो आपके पास आ गया 21, और फिर 3 से डिवाइड करा तो 7, और 7 से डिवाइड करा तो 1। 63 का भी आप एलसीएम ले लो, और आपने 63 को 3 से डिवाइड करा तो 21, और फिर उसके बाद आपने 3 से डिवाइड करा तो 7, और फिर 7 से डिवाइड करा तो 1 आ गया। और 140 का भी एलसीएम ले लो, आपने 2 से डिवाइड करा तो 70 है ना, 2 से डिवाइड करा तो 35, फिर आपने 5 से डिवाइड करा तो 7, और फिर 7 से डिवाइड करा तो 1 आ गया। यानी जो 42 है उसके मल्टीपल तो आ गए आपके पास कितने, 2 × 3 × 7, ये तो आ गए 42 के। और जो 63 है उसके मल्टीपल आपके पास कितने आ गए, 3 × 3 × 7। और जो 140 है उसके मल्टीप्लाई आपके पास, 140 के मल्टीप्लाई कितने आ गए, ये आ गया 2 × 2 × 5 × 7। आपको बताना क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। तो एचसीएफ का मतलब होता है कि भाई कॉमन इसमें क्या मिल रहा है। कॉमन देखिए, एक तो 2 इसमें है तो इस वाले सेकंड वाले में 2 है ही नहीं, और 3 फर्स्ट वाले में है, सेकंड वाले में, तो थर्ड वाले में 3 नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ये देखना है जो सब में मिल जाए वही इसका एचसीएफ होगा। तो आपके पास इसमें 7 मिल रहा है जो फर्स्ट में भी है और सेकंड में भी है और थर्ड में भी, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो होगा 7। इसी तरह से हमें नेक्स्ट का बताना है, और नेक्स्ट में हमारे पास है 108, 288 और 360। तो 108, 288 और 360 हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 108 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 54 आएगा, फिर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 27 आएगा, 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 × 9 × 27, फिर 3 से डिवाइड करूंगा तो 3, और 3 से डिवाइड करा तो 1 आए। ऐसे जो मेरे पास 288 है, जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 144, ये आ गया। फिर मैंने 2 से फिर डिवाइड करा तो 72 आ गया, फिर मैंने 2 से डिवाइड करा तो 36 आ गया, और फिर मैंने 2 से डिवाइड करा तो 18 आ गया, फिर मैंने 2 से डिवाइड करा तो 9 आ गया, 3 से डिवाइड करा तो 3, और फाइनली मैंने 3 से डिवाइड करा तो 1 आ गया। अब जैसे 360 है मेरे पास, और 360 को मैंने 2 से डिवाइड करा तो 180 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करा तो 90 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करा 45 आ गया, फिर 3 से डिवाइड करा 15 आ गया, फिर 3 से डिवाइड करा तो 5 आ गया, फिर 5 से डिवाइड करा तो 1 आ गया। अब हमें बताना है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ होता है कि जो तीनों में कॉमन मिले, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो एक तो देखिए सब में 2 मिल रहा है, 2 2 2, एक तो 2 मिल रहा है, 2 हो गया, अगली बार भी 2 मिल रहा है, यस ये रहा 2 2 और 2, तो ये वाला 2 भी हो गया। इसके अलावा यहाँ पे 3 मिला है, और यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे है ये 3, और यहाँ पे भी 3 है, तो 3 भी मिल गया एक बार, तीनों में ही मिलना चाहिए। फिर दोबारा से यहाँ 3 मिला है, और यहाँ पे 3 मिल गया ये रहा, और यहाँ पे भी 3 मिला है ये रहा। अब यहाँ पे एक बार और 3 है, लेकिन आप देखेंगे कि इधर 3 नहीं है, ठीक है, तो इसको नहीं लेंगे। और यहाँ पर अब की बार 5 है, तो इन दो जो शुरू में आए उनमें 5 नहीं है। तो एचसीएफ सिर्फ इसका होगा 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36, इसका एचसीएफ 36 होगा।